अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रानम मतलाल और आप देख रहे हैं YouTube चैनल RMT TV। बेटा आपके पास डेट शीट आ चुकी है फेडरल बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं सप्ली जो इंप्रूवमेंट देने जा रहे हैं, जो स्पेशल एग्जाम देने जा रहे हैं, सेकंड एनुअल एग्जाम देने जा रहे हैं, बेटा आपकी डेट शीट आ चुकी है। और ये भी मैं आपको बता दूँ, आपके पास टाइम इंतहाई शॉर्ट है और इस टाइम शॉर्ट टाइम के अंदर 15 दिन के अंदर अंदर आपने तैयारी करनी है और तमाम का तमाम स्मार्ट सिलेबस है वही सारे का सारा क्राइटेरिया मैं डेट शीट बताता हूँ। एक मिनट, ये आपको यहाँ पे स्क्रीन पर भी नजर आ, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि आपका कौन सा पेपर पहले है, ये सारी चीजें आपको अभी मैं वन बाय वन बताता हूं। लेकिन बेटा एक चीज ध्यान में रखें, जब मैंने अभी कुछ अपने चुड़ैल से पता किया कि डेट शीट बच्चों का 25 तारीख को फर्स्ट ईयर का एडमिशन भेजा है और आप 10 तारीख से पेपर स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये कम से कम जस्ट आपने 15 दिन दिए, तो ये ऐसे क्यों हुआ है? ऐसे तो नहीं करना चाहिए था, इस तरीके से स्टूडेंट की कैसे तैयारी होगी, 3 सब्जेक्ट की कैसे तैयार कर सकते हैं? तो उन्होंने बताया कि भाई ऐसा नहीं है, ये जो फर्स्ट ईयर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं इनका एग्जाम हमेशा सेकंड ईयर के साथ होता है, ये सिर्फ और सिर्फ कुछ स्टूडेंट, ये उनके लिए है जो इन लोगों ने फर्स्ट एग्जाम नहीं दिया था, ये उन लोगों के लिए है कि आपके पास वो इंप्रूव कर सकें। सेकंड ईयर के कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एग्जाम नहीं दिए, उन लोगों के लिए था। तो इसलिए बेटा ये याद रखें, बोर्ड जो है उसने ये टाइम तो बहुत ज़्यादा कम शॉर्ट टाइम दिया है, इसके अंदर अपने तैयारी करनी है और आप अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। मैं बार बार कह चुका हूँ, इसलिए आपके पास ये मौका है और अपने नंबर गेन करें। एक डेट शीट के मतलब बताता हूँ, रिजल्ट के मतलब बताता हूँ। बेटा रिजल्ट तो क्लियर है, 29 को पंजाब बोर्ड का फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ रहा है और रिजल्ट बहुत अच्छा है। जितने भी पंजाब बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं बेटा आपका रिजल्ट बहुत अच्छा है, 33% नंबर देके आपको पास किया जा रहा है, क्लियर किया जा रहा है, ये 100% क्लियर है। अगर जो बच्चे फेल हो रहे होंगे उनको पास कर दिया जाएगा। और 9 तारीख को इंशाल्लाह 9 नवंबर को पंजाब बोर्ड के 9th क्लास का स्टूडेंट्स के जितने भी हैं इनका रिजल्ट आ रहा है इंशाल्लाह। पिशावर बोर्ड का बता चुका हूं, 4 से 5 दिन के अंदर इंशाल्लाह आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लेकिन अब डेट शीट के ऊपर आते हैं, तो बेटा डेट शीट की अगर बात की जाए, बेटा याद रखें 10 तारीख को इंशाल्लाह मैथ का आपका पेपर है। 10 तारीख को आपका प्री इंजीनियरिंग के जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैथ का पेपर है, बायोलॉजी का पेपर है, ये जितने भी सेकंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। इसके अलावा 11 तारीख को इंशाल्लाह किस चीज का पेपर है जी, केमिस्ट्री वन का जो बच्चे इंप्रूव करना चाह रहे हैं, बेटा 11 तारीख को केमिस्ट्री का पेपर है, याद रखिएगा। ये आपको नोटिफिकेशन में नजर आ जाएगा, आप देख सकते हैं वहां से भी, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। और बेटा एक और चीज याद रखें, उसके अंदर इकोनॉमिक इस्लामिक स्टडी ये भी सारे के सारे सब्जेक्ट हैं, बाकी जो सब्जेक्ट हैं वो भी देख सकते हैं, लेकिन ज्यादा जो प्रायोरिटी दी जाती है वो साइंस सब्जेक्ट और आर्ट्स, ये दूसरे जो है ना साइंस ग्रुप वाले जो इनको दी जाए, प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल्स को। बेटा 12 तारीख को इनशाला आपका केमिस्ट्री का सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री का पेपर है। किस तारीख को? 12 तारीख को इनशाला सेकंड ईयर का पेपर है। और उसके बाद प्रिंसिपल अकाउंटिंग है, हिस्ट्री प्रिंसिपल, ये भी इनका भी पेपर है। और बेटा 13 तारीख को इंशाल्लाह फिजिक्स सेकंड ईयर का पेपर है, 13 तारीख को फिजिक्स का पेपर है बेटा, याद रखिएगा। इसके अलावा 14 तारीख को बेटा आपकी छुट्टी है और 15 तारीख को इंशाल्लाह इंग्लिश का पेपर है कंपलसरी 1 का, जो बच्चे पुराने हैं जिनके उनके पेपर हो रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा 15 तारीख को उसका पेपर है। और बेटा 16 तारीख को इंशाल्लाह 16 तारीख को किस चीज़ का पेपर है जी, फाइन आर्ट्स का पेपर है। इसके अलावा फिजिक्स वन का 16 तारीख को इंशाल्लाह पेपर है। और इसके अलावा अगर देखा जाए 17 तारीख को इंशाल्लाह उर्दू 1 का पेपर है। और इसके अलावा पाकिस्तान कल्चर और इसके अलावा साइकोलॉजी का पेपर है। 18 तारीख को पाकिस्तान स्टडी का पेपर है। और 19 तारीख को बेटा इंशाल्लाह मैथ 1 का पेपर है। इसके अलावा ये अगर बात की जाए, उसके अलावा 20 तारीख को इंग्लिश टू जो है जो उसका पेपर है। इसके अलावा 21 तारीख को बेटा आपकी छुट्टी है और 22 तारीख को इंशाल्लाह उर्दू का पेपर है जी, उर्दू इलेक्टिव सब्जेक्ट सेकंड ईयर जो वाले जो हैं उनका पेपर है और Education 1 का पेपर है। और 23 तारीख को Economics 2 का, Zoology का, और इसके अलावा जो उर्दू इलेक्टिव सब्जेक्ट है उनका पेपर है। तो बेटा इस तरीके से 23 तारीख को आपके पेपर ख़त्म हो जाएंगे। और ये पेपर कब स्टार्ट हुए थे? 10 तारीख से 23 तारीख तक।
10 तारीख को पहला पेपर, 23 तारीख को आपके पेपर खत्म। ये जितने भी कंपलसरी जो जितने पुराने जो स्टूडेंट्स हैं, जिन लोगों ने एग्जाम नहीं दे सके, जो अभी इंप्रूव कर रहे हैं, सबके पेपर हैं बेटा। ये पूरे 15 दिन हैं, इनको आप अच्छे तरीके से यूटिलाइज करें, आपके नंबर बढ़ेंगे। मैं पहले बता चुका हूँ, जिन बच्चों ने पेपर रीचेक करवाया है, जिस तरीके से मैंने पहले बताया, एक बच्चा उबैद था, उसके 962 मार्क्स थे, तो उसके मार्क्स बढ़ के 1022 हो गए, तो इंशाल्लाह आपके नंबर भी बढ़ेंगे। और मुझे उम्मीद है जो पंजाब बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जिनका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ रहा है 29 को, हमने खुद मार्किंग की है अल्हम्दुलिल्लाह, तो बेटा उसमें याद रखें आपका रिजल्ट अच्छा है, काफी अच्छा है, बेहतर है, ठीक है। जिस तरीके से जो फर्स्ट ईयर के, जो सेकंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं, 1100 नंबर दिए गए, वैसा तो चक्कर नहीं है, अब के बार वो मैंने पता किया है तो चुड़ैल से उन्होंने पेपर दोबारा चेक किए हैं, उसके अंदर कुछ गलतियां जो है, मिस्टेक्स हैं, सब खत्म कर दी गई हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन रिजल्ट आपका इंशाल्लाह आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छा होगा बेटा। एंड भी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अब मैं थोड़ा सा ना इसके अलावा, एजुकेशन के अलावा भी कुछ थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं, कुछ और जो बातें होती हैं वो मीडिया से रिलेटेड या और जो चल रही होती है न्यूज, उनसे भी मतलब वीडियो बनाता हूं, तो वो भी लाजमी देख लीजिएगा। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोगों को ये भी चीज पसंद आएगी। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, लास्ट में हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।